एग्रोनिक्स की तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मिर्ची की फसल में एंथ्रेक्नोज के बारे में। यह रोग एक फफूंद जनित रोग है तथा इस रोग के कारण 10-60% तक पैदावार कम हो जाती है। इस रोग के शुरुआती लक्षण कुछ इस तरह होते हैं कि पत्तियों की किनारियों पर काले रंग के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं तथा पत्तियाँ सूखने लगती हैं और बाद में पौधे में नीचे की तरफ सूखने की क्रिया बढ़ती रहती है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया में समस्या आती है तथा पौधे अपना खाना नहीं तैयार कर पाते और फूल गिरने की समस्या भी देखी जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों, फलों पर काले रंग के गोल धब्बे बनते हैं। समय के साथ यह धब्बे लंबाई में बढ़ते जाते हैं और अंत में फल काला होकर गिर जाता है और उत्पादित फलों की मात्रा भी कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, इस रोग की समय पर पहचान कर रोकथाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी रोकथाम के लिए आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से भी इस रोग से रोकथाम पाई जा सकती है। किसान भाइयों, इसके अलावा आप अपनी फसल व पशु से जुड़े सवालों को एग्रोनेक्स की ऐप पर पोस्ट कर उसका हल ले सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए एग्रोनेक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।